अरे सूरज, तू यहाँ और कैसे? आइए। अरे यार, आने से कम फोन तो कर देते। अरे भाई क्या बताऊं, जॉब के लिए आया हूं। मुझे शाम को ही पता चला और तभी तुरंत भागना पड़ा, फोन करने की फुर्सत ही नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, आप हाथ मुंह धोइए और फ्रेश हो जाइए, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं, ठीक है? ओके। लो जी चाय पीजिए। अब एक से काम नहीं चलेगा, दो बनानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमारे छोटे भाई साहब आए हुए हैं, यानी कि आपके देवर जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। आज अचानक से कैसे रास्ता भूल गए? कभी बुलाने से भी नहीं आते थे। जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, पहली बार आए हो। क्या करे भाभी, टाइम ही नहीं मिलता था। अरे पहले तुम 2 कप चाय बना लाओ और इसको ले जाओ, और फिर बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ आराम से बैठ के बात करना। हाँ भाभी, और मेरे लिए एक स्पेशल गुड़ की चाय बना कर लाना। ओके। अच्छा भाई, तुम दोनों बातें करो और मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे यार, 8 बज गए। अभी तक कोई ऑटो वाला भी नहीं आया। अरे यार, लेट हो जाऊंगा, चल पैदल ही निकलता हूँ। आ गए सूरज। हाँ क्या रहा जॉब का? देखो, कल चलेगा फाइनल पता। तो आपको क्या लगता है? उम्मीद है। वो कैसे? वैकेंसी 10 और कैंडिडेट थे 9। हाँ, फिर तो पक्का हो ही जाएगा, भगवान ने चाहा तो। देखो भाभी, उम्मीद तो पक्की है। फिर तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी और जिंदगी भर मौज लोगे। भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हो गया तो। खाली घी शक्कर से काम नहीं चलेगा, फिर तो बनारसी साड़ी दिलानी पड़ेगी। बस इतनी छोटी सी बात, काम होने दो, फिर देखना मैं आपको क्या क्या दिलाता हूँ। इसी बात पर एक गिलास ठंडा सा पानी पिला दो। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं अभी लेकर आती हूँ। लीजिए। अरे अरे सॉरी, लाइए मैं साफ कर देती हूँ। अरे नहीं, मैं अपने आप साफ कर लूंगा, वैसे भी मुझे तो अभी नहाना ही था। भाभी जी, लीजिए मुंह मीठा कीजिए, आज मैं बहुत खुश हूं, परमात्मा ने आज हमें सारी खुशियां दे दी। अच्छा, ये तो भगवान ने बहुत अच्छी सुनी। अब तो आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी हमारी तरह। आपके भाई को भी आपकी बहुत चिंता थी। अब तो तुम भी अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। अगर मैंने ही लड़की देखनी होती तो अब तक लड़कियों की लाइन लगा देता। ये बोझ तो तुमने ही अपने सिर पर डालना होगा।
क्योंकि तुम ही अपने जैसी सुंदर और सुशील लड़की अपने देवर के लिए ढूंढ कर ला सकती हो। अच्छा, ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। मेरे जैसी नहीं मिली तो मैं तो तुम्हें ही लेकर भाग जाऊंगा। अच्छा, अपने भाई का घर उजाड़ कर। अरे घर कहाँ उजड़ता है, रहना तुम्हें इसी घर में है, नए में रहो या पुराने में। अच्छा जनाब, फिर तो सोचना पड़ेगा आपके बारे में। अरे आज ऐसा क्या मिल गया भाई जो इतना खुश हो रहे हो? भाई ये सब आपका आशीर्वाद है जो मुझे नौकरी मिल गई। ये तो भाई बहुत खुशी की बात है। और ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे भाई मीठे मुंह से काम नहीं चलेगा, आज तो कड़वा भी करना पड़ेगा। हाँ हाँ जनाब, आपको तो बस पीने का बहाना चाहिए। अरे आ गए आप, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं, चाय को छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलिए। देखो संगीता, मेरा मतलब ये है आपको भी समाज की लोक मर्यादा का कुछ ख्याल करना चाहिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम सब जानती हो। मैं जानती हूँ ना, तो यही ठीक है। क्या? हाँ हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। देखो ये तुम सब ठीक नहीं कर रही हो, ये हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा हो या बुरा मैं नहीं जानती, इसका परिणाम क्या होगा।
क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ। तो ठीक है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। संगीता, जिस तरह तुम मुझे बीच मझधार में छोड़कर जा रही हो, इसके साथ ऐसा मत करना।